आकाश चोपड़ा का मानना ये है कि किंग इलेवन पंजाब को इस प्लेइंग इलेवन के साथ यूएई में खेलना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इस बार आईपीएल इंडिया में नहीं बल्कि यूएई में होगा, तो सारी टीमें यूएई के लिए रवाना हो चुकी हैं। 19 सितंबर से आईपीएल आगाज़ हो जाएगा और 10 नवंबर को फिनाले खेला जाएगा। तो आइए चलो देखते हैं आकाश चोपड़ा की यूएई में किंग इलेवन पंजाब की प्लेइंग इलेवन, किस किस को बाहर किया है, किस किस को अंदर लिया है। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। नंबर वन पे केएल राहुल को रखा है। केएल राहुल जो कैप्टन रहने वाले हैं, इस साल किंग इलेवन पंजाब के लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा खेले थे, इस बार किंग इलेवन पंजाब ने उनको कैप्टन बना दिया। हालांकि हर साल कैप्टन चेंज होता है किंग इलेवन पंजाब का, तो इस साल के कैप्टन केएल राहुल रहेंगे और उनको नंबर वन पे आकाश चोपड़ा ने जगह दिया है। नंबर दो पे जिसको जगह दिया है वो क्रिस गेल बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं, बहुत धाकड़ बल्लेबाज, अगर टिक गए तो पूरा मैच का रुख पलट देते हैं। हालांकि इन्होंने 170 काफ़ी ज़्यादा रन मार दिया है आईपीएल में और ये इससे पहले रॉयल चैलेंज बेंगलोर के लिए खेलते थे और 2 साल से किंग इलेवन पंजाब के लिए खेल रहे हैं। हालांकि 2 साल से उनका थोड़ा फॉर्म ख़राब चल रहा है, बट इस बार भी 2 नंबर पर, यानी कि क्रिस गेल और केएल राहुल जो दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। 3 नंबर पे मयंक अग्रवाल को जगह दी है। मयंक अग्रवाल काफ़ी धाकड़ बल्लेबाज हैं, बहुत ही खतरनाक खेलते हैं, जो 3 नंबर पे आने वाले हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। 4 नंबर पे करुण नायर है। करुण नायर बहुत अच्छा खेलते हैं, इंडिया के लिए टेस्ट मैच में पहले ही मैच में काफ़ी अच्छा खेल दिया था, अभी टेस्ट के लिए काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, बट आईपीएल में काफ़ी अच्छा करते रहे। इससे पहले वो दिल्ली कैपिटल के लिए खेलते थे, दिल्ली कैपिटल की भी कैप्टन थे 1-2 मैच में। 5वें नंबर पे मैक्सवेल को रखा है। ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छा करते हैं, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, अगर टिक गए तो पूरे मैच ही पलट डालते हैं, एकदम धाकड़ बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, इसलिए इनको 5वें नंबर पर आकाश चोपड़ा ने रखा है। 6वें पे मनदीप सिंह, इंडियन बैट्समैन है, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं, 4 नंबर पर भी बैटिंग करने आते हैं, बट अभी इनको 6 नंबर पे आकाश चोपड़ा ने रखा है। बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, बट बैटिंग इनकी अच्छी है, बॉलिंग बहुत कम करने के उनको मिलता है, मतलब तो फिर ये 6 नंबर पे ठीक है। 7 नंबर पे कृष्णप्पा गौतम, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, इनको जब जब मौका मिला है अपना जलवा बिखेर चुके हैं अपनी टीम के लिए। इससे पहले वो राजस्थान रॉयल के लिए खेलते थे, राजस्थान रॉयल में इन्होंने 5 विकेट एक साथ लिया था, 4 विकेट, बहुत अच्छा बॉलिंग किए थे, बैटिंग भी पंजाब के लिए भी काफ़ी अच्छा है, खेलते हुए नज़र आए हैं, जो कि इनको 7वें नंबर पे आकाश चोपड़ा ने रखा है। 8वें नंबर पे रवि बिश्नोई इस साल ही आईपीएल में डेब्यू करने वाला है, इससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप को अपने टीम को फाइनल तक पहुंचाए थे, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, बहुत ही खतरनाक बॉलर हैं, तो इनको 8वें नंबर पर जगह मिली। 9वें नंबर पर मोहम्मद शमी की तो बॉलिंग आप सब लोगों ने देख लिया होगा, बॉलर भी अच्छे हैं, बैटिंग तो ज़्यादा करते नहीं, लेकिन बॉलिंग इनकी बहुत ही खतरनाक। 10 नंबर पे शेल्डन कॉटरेल, जो कि बहुत ही घातक बॉलर हैं, सैल्यूट मैन, वो इस साल आईपीएल में डेब्यू करने वाला है, जिनको किंग इलेवन पंजाब ने लगभग 10 करोड़ में खरीदा है, तो उनको 10 नंबर पे जगह मिली है, जो कि वो बॉलर हैं। और 11वें नंबर पे मुजीबुर रहमान को तो हर कोई जानता ही है उनकी बॉलिंग टेक्निक। आपको क्या लगता है इसमें कौन से खिलाड़ी मिसिंग है? मेरे हिसाब से इसमें सरफराज खान को नहीं लिया है, आकाश चोपड़ा ने थोड़ा सा गलती की, क्योंकि सरफराज खान काफ़ी खतरनाक बैट्समैन है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।